तो रामदेव वहां बैठ के कह रहा ना, यो ही कह सबसे ज्यादा है कि ये बिल बढ़िया है। तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डारा? अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। मोदी तो कहता है कि हम फकीर हैं, हम किसी से कोई मतलब नहीं है, किसान नहीं है। मोदी जी कहते हैं झोला उठा के हम चल देंगे, फकीर हैं तो देश को दिया ही क्या, जा झोले में लेकर जाएगा। हमेशा व्यापारी को क्यों टारगेट कर देते बार बार आप? एक बात तो बता दे, गाय तो मारे है और मूत बेच रहा 90 रुपए लीटर, वो उसका गाय का मूत 90 रुपए लीटर और उसी गाय का दूध हमारा 30 रुपए लीटर। तो सब यही तो हम पूछना है कि मूत 90 और दूध 30, तो एक काम करना, स्वदेशी आता हुआ स्वदेशी माल है वो। हमारी गाय कौन सा अमेरिका से आई? किसान को भकाना चाह रहे हैं। हाँ। किसान समझ चुका है। हाँ। कि ये बिका हुआ बिल है। ये बिल जो कहाँ छपा पता आपको? अंडाधानी के अंबानी के दफ्तर में। आजकल कानून संसद में न छपते, वहाँ छपे हैं। वे सांझ को पकड़ा दे, मोदी जी लागू को करो इन्हें, यो शराब पी के सांझ को साइन कर दे। हरी पगड़ी है और आप आज झूला लगाए हुए व्हाइट, जरा सा पीछे को जाइए भाई। इसलिए किसान ने ना कफन भी बांध रखा भाई। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। भाई इसने तो एक चीज और भी कही थी, ना खाऊंगा ना खान दूंगा, फिर शौचालय क्यों बनवाए? बताओ आप लोगों की सुविधा के लिए है? अरे जब पेट में ही नहीं होगा तो शौचालय में क्या करने जाऊंगा? आजादी को हम हर किस बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। किसान सर झुकाने वाला नहीं है। 2 महीने से ज्यादा हो गए, 150 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, हटने वाले नहीं है। मर जाएंगे मिट जाएंगे, जमीनें दाव पर लगी हैं। कौन है, किसी की माँ बाप का हिंदुस्तान है क्या? हटा के दिखाए कोई भी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ये साले साले एक ही क्लास में पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना? कभी रमेश भी दुड़ी बोला बड़ुए हैं, बड़े 500 रुपए में बड़ुए हैं, अंदाता को बड़ुए बोल रहे हैं। देशपाल दे हमने भूखा मरता था। अगर हम आतंकवादी हैं तो भला क्यों कर रहे आतंकवादी होगा? अगर किसान आतंकवादी है तो बोल रहे ना बार बार भला होगा किसान का, तीन का, तो भला क्यों कर रहे हो आतंकवादी हो भला क्यों? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो, हमारा अन्न क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्या कर रही है? उसके पास सारी एजेंसियां, राय है ना, ये आईबी है, दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। What the hell Home Ministry is doing? Why they are not taking action? कौन मना कर रहा है? मार रही ना गोली कौन है? अगर आतंकवादी तो बताऊं कौन है? साधु प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, मैं उसकी मेन एक्यूज्ड है, आतंकवाद के चार्ज हैं, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और हमें आतंकवादी बता रही है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की रिपोर्ट बताती है। रात इन दो जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाऊंगा, नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा कि चोर उचक्कों की करक उधर, पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो यही वही तो हो रहा है। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, चिमानंद सोनी रेपिस्ट, रेपिस्ट और अपराधी हमारा कानून बना रहे, बता ना 43% तो हमारा कानून बना, ये ऐसे कानून बनेंगे फिर? कृषि मंत्री ने कहा कि थोड़ा नरम रहिए आप लोग, थोड़ा नरम रहिए। अभी हम तो नरम ही तो हम गरम हुए कहाँ?